तो आज की स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ हल्द्वानी से केदारनाथ की यात्रा कैसे की जाए। उत्तराखंड से केदारनाथ जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो कि मेन रास्ता माना जाता है वो है ऋषिकेश से, और जो दूसरा रास्ता है वो है हमारी हल्द्वानी से। जैसा कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग की दूरी है 220 किलोमीटर और हल्द्वानी से सोनप्रयाग की दूरी है 320 किलोमीटर। जैसा कि कोई बाहर के स्टेट से आता है तो हल्द्वानी कारगुदाम लास्ट स्टेशन है रेलवे का। तो हल्द्वानी से केदारनाथ जाने के लिए आप गाड़ी रेंट में ले सकते हैं और टैक्सी से भी जा सकते हैं। और मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हल्द्वानी से सोनप्रयाग के बीच पर कौन कौन सी प्लेस पड़ती है और क्या क्या सुविधाएं वहाँ हैं, कैसी रोड है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आज। और गाइज, जैसा कि इस वीडियो को अभी तक जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए दूर दूर तक ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब शुरू करते हैं हल्द्वानी से केदारनाथ की यात्रा। जैसा कि हल्द्वानी से सोनप्रयाग जाने के लिए हमें कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं। जैसा कि हल्द्वानी से निकल के 30 किलोमीटर बाद आता है भीमताल। भीमताल पहली प्लेस है हमारी और भीमताल में एक ताल है बहुत अच्छा है, देखेगा इस स्टूडियो में आप देख सकते हैं। भीमताल में आपको हर चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। तो भीमताल से 10 किलोमीटर की दूरी में आती है एक प्लेस भवाली। तो भवाली से दो रास्ते बढ़ जाते हैं, एक रास्ता जाता है हमारे नैनीताल को और दूसरा रास्ता जाता है रानीखेत को। और आपको सोनप्रयाग जाने के लिए रानीखेत वाला रास्ता लेना पड़ेगा। जैसा कि रानीखेत वाला रास्ता लेके ही भवाली से कुछ दूर एक मंदिर आता है और जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर का नाम है कैचीधाम मंदिर, आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। और इस मंदिर की एक ख़ास बात है, यहाँ जो भी कोई अपनी विश मांगे वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चलते ही 12 किलोमीटर बाद एक और जगह आती है, वो है खैरना। और खैरना से भी दो रास्ते बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीधा रास्ता जा रहा है वो जा रहा है अल्मोड़ा को, और जो लेफ्ट में ब्रिज से रास्ता जा रहा है वो जा रहा है रानीखेत, और हमें रानीखेत के लिए ब्रिज वाला रास्ता पकड़ना है। और इस ब्रिज वाले रास्ते से जाते ही आप एक घंटे बाद पहुँचेंगे रानीखेत। और रानीखेत अपने आप में बहुत डेवलप्ड शहर है। कुमाऊँ की जितनी भी आर्मी की भर्ती होती है वो सब रानीखेत से होती है। रानीखेत को रेजिमेंट ऑफ कुमाऊँ भी कहा जाता है। और रानीखेत में सब सुविधाएं उपलब्ध है, आप यहाँ खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ रानीखेत में। फिर रानीखेत से 5 किलोमीटर बाद एक जगह आती है गिंगारी खाल। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं गिंगारी खाल से भी दो रास्ते कटते हैं। जो राइट को रास्ता जा रहा है वो है अल्मोड़ा को जाने वाला रास्ता, और जो लेफ्ट रास्ता जा रहा है वो है दोराहाट को जाने वाला रास्ता। तो हमें दोराहाट वाले रास्ते में जाना है। दोराहाट वाला रास्ता लेने के बाद 30 किलोमीटर बाद एक जगह आती है गगास। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं गगास से भी दो रास्ते कट रहे हैं। जो राइट को रास्ता जा रहा है वो जा रहा है कोसानी, और जो लेफ्ट को रास्ता जा रहा है वो जा रहा है दोराहाट, और हमें दोराहाट वाले रास्ते जाना है। तो एटलीस्ट एक घंटे में आप दोराहाट पहुँच जाएंगे। फिर दोराहाट से निकलने के बाद एक जगह आती है, वो है 18 किलोमीटर बाद, उसका नाम है चकूटिया। और फिर चकूतिया से फिर दो रास्ते कटते हैं, और जो ये लेफ्ट रास्ता है वो जाता है रामनगर को, और जो हमारा राइट रास्ता है वो जाता है कर्णप्रयाग, और हमें कर्णप्रयाग की ओर जाना है। तो चकूतिया से कर्णप्रयाग की दूरी है 80 किलोमीटर, और चकूतिया से 35 किलोमीटर बाद एक जगह आती है गैरसैंण। और जैसा कि हल्द्वानी से गैरसैंण तक की रोड बहुत अच्छी है, और गैरसैंण से रोड थोड़ा ख़राब होना शुरू हो जाती है कर्णप्रयाग तक। तो जैसा कि गैरसैंण से कर्णप्रयाग की दूरी है 47 किलोमीटर, और कर्णप्रयाग इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, और इन नदियों का नाम है अलकनंदा और पिंगरी। और इन दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, सुविधा मिल जाएगी। और फिर उसके बाद कर्णप्रयाग से आपको रुद्रप्रयाग वाला रास्ता लेना है, और कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग तक रास्ता बहुत ही अच्छा है, रोड बहुत ही अच्छी है। और कर्णप्रयाग से 35 किलोमीटर की दूरी में है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में भी दो नदियों का संगम होता है जो कि है अलकनंदा और मंदाकिनी। और फिर रुद्रप्रयाग से दो रास्ते कटते हैं, एक रास्ता जाता है ऋषिकेश, और जो दूसरा रास्ता जाता है वो जाता है सोनप्रयाग, और हमें सोनप्रयाग को जाना है। और रुद्रप्रयाग में आपको सब सुविधा मिल जाएगी। जैसा कि आपको मैंने वीडियो की शुरू में बताया था कि केदारनाथ यात्रा करने के लिए उत्तराखंड से दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता जो कि ऋषिकेश से जाता है, और वो रास्ता भी रुद्रप्रयाग में ही मिलता है।
और जो हल्द्वानी वाला रास्ता है वो भी रुद्रप्रयाग ही आता है। और फिर रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक रास्ता बहुत ख़राब है, पूरे रास्ते में कीचड़ और गड्ढे, बहुत सारे कीचड़ गड्ढे हैं, आपको सावधानी से जाना पड़ेगा। और रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक रास्ता 75 किलोमीटर का है, और अगर आपको लेट हो जाती है या ज़्यादा काफ़ी रात हो जाती है तो रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के बीच बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ आप स्टे कर सकते हो, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। और अगर आप रात को लेट हो जाते हो, आपको सोनप्रयाग पहुँचने में अगर देरी हो जाती है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ होटल रेस्टोरेंट जो भी है वो खुले रहते हैं रात रात तक, 12-1 बजे तक खुले रहते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद आप स्टे कर सकते हो। और गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके आगे गाड़ी बिल्कुल नहीं जाएगी। और फिर यहाँ से पैदल केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और हम अब अगली वीडियो में बताएंगे आपको सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। बाय बाय।